युवराज सिंह चौहान भी दिल्ली में आएंगे, हमारे साथ आएंगे, आगे मंत्रिमंडल में आएंगे, लोकसभा अगर वो लड़ेंगे, युवराज सिंह चौहान का लोकसभा में आना है पक्का, उनके दुश्मनों को बहुत बड़ा होगा पक्का। आपने अभी बात कही कि मध्य प्रदेश में जो 163 सीटें आई उसमें शिवराज जी की योजनाओं का, शिवराज जी की मेहनत का बहुत योगदान रहा, लेकिन फिर पार्टी ने उनकी जगह किसी और को मुख्यमंत्री बना दिया, इस फैसले को आप किस तरीके देखते हैं? अगर आप बोल रहे हैं कि उन्होंने बहुत मेहनत की, मुझे लगता है कि पार्टी का जो फैसला है, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, और जब मैं 1998 में पहली बार चुनकर आया था तो वो भी मतलब मध्य प्रदेश से लोकसभा के सांसद थे, तो शिवराज सिंह चौहान जी ने अच्छा काम किया, इसीलिए उनको 3 बार मुख्यमंत्री बना था। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी को हर कास्ट को न्याय देना था, इसलिए उन्होंने एक ओबीसी चेहरा जो है, ओबीसी चेहरा उन्होंने सामने लाया। गुजरात में मोदी जी ने ऐसा निर्णय लिया था कि पहला जो पूरा मंत्रिमंडल था, शायद देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों को मतलब पता मतलब दूसरे जो MLA थे उनको मौका दे दिया, पूरा मंत्रिमंडल नया बना था। मोदी जी ने मतलब जिस तरह छत्तीसगढ़ में ट्राइब का मुख्यमंत्री है, यहाँ मध्य प्रदेश में ओबीसी मुख्यमंत्री है, राजस्थान में ब्राह्मण मुख्यमंत्री है, सभी जाति को भी मौका देना चाहिए, इसीलिए जो निर्णय हुआ है अच्छा निर्णय है। और शिवराज सिंह चौहान भी दिल्ली में आएंगे, हमारे साथ आएंगे, आगे मंत्रिमंडल में आएंगे, लोकसभा अगर वो लड़ेंगे और मोदी जी लोकसभा 2024 में हवा का रुख किस तरफ देखते हैं? मैंने बोला था कि मैं एक काल में कांग्रेस पार्टी के साथ था, मैं 3 बार लोकसभा में चुनकर आया था, तब मैं कांग्रेस पार्टी के साथ था, तो मैंने बोला था कि मैं तो कांग्रेस पार्टी की हवा थी, अभी हवा नरेंद्र मोदी जी की है, हवा नहीं है वहाँ जाकर, वहाँ मरने का क्या करना है, हवा नहीं मिली तो जिला बंद करना पड़ेगा। मैंने बोला गया कि हवा नरेंद्र मोदी जी की है, जब तक नरेंद्र मोदी जी की हवा है तब तक मैं इधर रहूंगा। आपने